क्योंकि आरएसएस का फिलोसफी है मनुस्मृति लाओ करो और सबको अपने अपने काम को हिंदू काम में भेजो। राम राज की घोषणा हो चुकी है हिंदू राष्ट्र से। हिंदू राष्ट्र में क्या होगा कि प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम कहा यह बात। जब राम राष्ट्र की घोषणा हो गई तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि वर्ण और जाति के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा और जो लोग बोलेगा उसके प्रमोशन रोक देगा, छुट्टी नहीं देगा, उसको नौकरी से हटा देगा, सस्पेंड कर देगा, सब कर देगा। वो क्यों कर रहा है कि जो हमारी हकमारी कर रही है, हमारे बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बंद कर रहा है, आप उसके साथ चल रहे हो। तो नेता सब भी समझ गया है कि समाज गुलाम है, इसको अधिकार नहीं चाहिए, इसको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ क्या मूर्ति चाहिए। सांप नाथ है, नाग नाथ है, देश का हुक्मरान करना है, शासन पे हुकूमत करना है, ब्राह्मण को विदेश भेजना है, ये सब ये नहीं बोलता है। कहीं से बन कर रेडीमेड आता है बोलने पे। बाबा साहब ने कहते कि दलितों इस मेंटालिटी में मत रहना कि पहनू की तो जरी वाली साड़ी ही है वरना नंगे रहूंगी। एक पॉलिटिशियन को उसको हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स सबका ज्ञान होना चाहिए। संसद में बोले है कि मालिक बोले खाली हाथ उठाने का, हाथ उठाने के लिए संसद में जाओगे। मैं बहुत सविनय बात कहना चाहता हूं कि मैं वैसे किसी भी मंच पर जाना नहीं चाहता जिसके टर्मिनोलॉजी, जिसके आइडियाज, जिसके विचार, जिसकी संस्कृति आरएसएस और बीजेपी से मेल खाती। मैं किसी मंच पर नहीं रहना चाहता, इसलिए कह रहा हूं कि ये जो खेल है ना, खेल समझिए। चलिए शुक्रिया बाबा राम, तो कम से कम मैं दावा तो ठोक दिए कि मैं अग्निभक्त ब्राह्मण हूं। अरे दावा ही करना है तो फर्स्ट क्लास होगा करो, क्या सेकंड क्लास में पढ़े हुए हो। यादव क्षत्रिय, कुर्मी क्षत्रिय, ये सब आरएसएस का टर्मिनोलॉजी, सब क्षत्रिय बना रहे। दलित शब्द से आरएसएस को परेशानी है, इसलिए उसको बैन करना चाहता है। दलित शब्द पावर पंच है, दलित साहित्य डेवलप हुआ उससे परेशानी है। इसमें पंच है, यूनिफिकेशन है। जैसे ब्लैक इज ब्यूटीफुल ये मूवमेंट चला था अमेरिका में, ब्लैक लगा ब्लैक खराब है, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। उसी तरह से दलित शब्द से सबसे ज्यादा परेशानी आरएसएस को है, क्योंकि ये यूनिफिकेशन का शब्द है, इसमें पावर है, इसमें पंच है, उसके अंग्रेजी आइडियोलॉजी को हिलाता है। तो इसलिए मैं दलित शब्द का ही प्रयोग करता हूं। जिन जिनको इस बात समझना है समझ ले, जिनको नहीं समझना है आप बहुसंख्यक बहु बोलो। अब तो बाबा साहब तो दलितों के लिए कहते थे माइनॉरिटी में, और दलित राजनीति उसके बाद चला गया बहुजन में, अब बहुजन के बाद चला गया मूल निवासी। पता नहीं कौन कौन यूनिवर्सिटी से सब जो है ना पीएचडी करके आया, मेरे समझ में नहीं आया। फोकस एजेंडा नहीं होता, घाल मेल हो जाता। तो इसलिए इसकी क्लैरिटी बहुत जरूरी है कि दलित सबसे परेशानी आरएसएस को है, यह बात सोच गया। चलिए अब आता हूं कि आरएसएस बीजेपी हर समय एक्सपेरिमेंट करता है, उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। कोई काम करो, ट्रायल करो, फिर वापस हो, ट्रायल करो, वापस हो। उदाहरण देता कोर्ट के बहुत सारे फैसले आए, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से लेके एससीएसटी एक्ट तमाम के फैसले आए। तो जब 2 अप्रैल 2018 को एससीएसटी एक्ट पर जब बड़ा मूवमेंट हुआ, इसमें सभी लोगों की भागीदारी हुई, तो तुरंत बैकवर्ड भी आ गया, तुरंत अध्यादेश लाया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ। जब किसानों का आंदोलन हुआ तो लगा कि पीछे नहीं हटेगा, तो तुरंत अध्यादेश आ गया, प्रधानमंत्री जी ने विड्रॉ कर लिया। जब रोस्टर का आंदोलन था तो उस समय भी जब देखा कि लोग सड़क पे उतर गए हैं, सड़कों पे उतरे थे आप लोग, आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिलवाता हूं, 13 रोस्टर के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया। तो जब देखा कि सड़क को उतर गए, दलित बैकवर्ड से वोट नहीं देगा, तुरंत फिर अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वापस कर। तो एक्सपेरिमेंट करता है, ट्रायल एंड मेरिट एरर में, और उसमें से ज्यादातर वक्त हम और हमारे नेता, हम और हमारे नेता कैसे एग्जाम्पल दे रहा। एक और अभी जो है, अभी कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया, यूनिवर्सिटी में डी रिजर्वेशन का बिना किसी आंकड़े के 10% जनों को उठा दे दिया। आप उसके खिलाफ सड़क पे नहीं उतरे, आपका मतलब नहीं, मतलब नहीं,
उसके खिलाफ नेता भी नहीं बोले, हमारे नेता भी दोनों हाथ ऐसे पसारे स्वागत कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा हूँ, हम लोग नहीं कर रहे। आपके बच्चे पहले जनरेशन यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि डी रिजर्वेशन होगा। जब कल सोशल मीडिया पर हंगामा हुआ तो रात में नोटिफिकेशन आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अगर हल्ला करता है कि नहीं करता है तो लागू कर दे। हल्ला हुआ सोशल मीडिया पर हुआ, तब जाके रात में नोटिफिकेशन आया। मेरे कॉलेज में, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मैं दादा के साथ कह रहा हूँ मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा यहाँ। मेरे बायोडाटा को उठा लो, मेरे प्रिंसिपल के बायोडाटा को उठा लो और कंपेयर कर लो कि उसके फर्जी है कि मेरे फर्जी है। अगर मेरे से बेहतर बायोडाटा होगा तो मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। खुली चुनौती है। आज उदित राज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कांग्रेस हेडक्वार्टर में और मेरा ही रेफरेंस दिया कि जो आपने 11 किताबें पब्लिश कर चुका है, हमारे कॉलेज में कोई प्रोफेसर नहीं, मैं ही एलिजिबल था, एक SC ST OBC सब मिला के, और मुझे 5 साल से रोका, एक भी प्रोफेसर नहीं है, कोई आंकड़े नहीं है कि कितने प्रोफेसर बने नहीं बने, लेकिन UGC की जनाऊ लीला इसको जनाऊ लीला में क्योंकि RSS का फिलोसफी है, मनोज स्मृति लाओ करो और सबको अपने अपने काम को रिजर्व काम में भेजो। तो बगैर आंकड़े के इस तरह का नोटिफिकेशन लाता रहता है, जब प्रोटेस्ट होता है तब फिर वापस ले लेता है, लेकिन उसके एजेंडा में है। ये राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है, आप भी खुश थे, खुश थे आप, ये हिंदू राष्ट्र, आप भी हिंदू है, तो हिंदू है तो मैं काहे के लिए बैठे हुए यहाँ का अधिकार, भजो राम जाओ कांवर में। राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा कि प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम कहा ये बात, और तब भी हमारे लोगों को, मैं नेता हूँ तो मैं अभी धुलाई करूंगा, अभी नेता हूँ SC ST OBC नेता हूँ, लेकिन आपसे भी सवाल करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए लेकिन सवाल आपसे भी करूंगा। जब राम राष्ट्र की घोषणा हो गई तो आपको नहीं समझ में आ रहा कि वर्ण और जाति के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, और जो लोग बोलेगा उसके प्रमोशन रोक देगा, छुट्टी नहीं देगा, उसको नौकरी से हटा देगा, सस्पेंड कर देगा, सब कर देगा, वो क्यों कर रहा है? क्या हमारी लड़ाई हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है? चाहे गुप्त विदु सिंह है, चाहे लक्ष्मण है, व्यक्तिगत लड़ाई है, आपके लिए आवाज उठाई जा रही है, उसको पनिश किया जा रहा है, और आप उसी मुर्गे की तरह देख रहे हैं कि अपना नंबर कब आएगा, दाना चुभ रहे हैं, खड़े नहीं होते, खड़े नहीं। संविधान के हिसाब से सोच विधान कीजिए, आंदोलन करिए, जो समाज आंदोलन नहीं करता है तो मोदी जी आप भागवत साहब प्लेट में नहीं लेके आएंगे, गिलो जी बिरयानी खा लो खाओ। तो ये सवाल ये उठाना पड़ेगा। एक दो पॉइंट और कहता हूं, मैं तो कह रहा हूं कि अगर ये आ रहा है ये हिंदू राष्ट्र, तो बहुत हद तक ये समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के कंधे पर चढ़ के आ रहा है हिंदू राष्ट्र, समझ गए? आप ही लोग ला रहे हिंदू राष्ट्र जिसकी डंडे से पिटाई आपकी भी होनी। अच्छा है, पीलो गुलाम लोग, अच्छा आप ही एक कंधे पर चढ़ के आ रहा है। महाराष्ट्र में इतना बड़ा दलित आंदोलन, मैं तो अभी था अलीलाबाद में, तेलंगाना में, मैंने कहा कि अगर अंबेडकर होते तो उनको शर्म आती कि क्या अंबेडकर के नस्ल वाला कोई दलित नेता इस देश में है क्या? अभी उनके रगों में वो खून दौड़ रहा है क्या? इतने अत्याचार हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहा है, बैठ के चुप्पी मारे हुए साहब TA बना दीजिए, साहब आप तो पार्लियामेंट में, वहां दलित का ब्लैकवोट को भी नहीं कर रहा हूं, दलित का ट्राइबल को ही मेरा हूं सारे बोलता है, कोई सवाल उठते हैं? वो TA में लगा हुआ है, आता है दिल्ली में, 5 हजार होटल देखता है, लैंड मार इंडिया वो देख के चमकता है, स्वर्ग में आएगा, क्या करना है, 5 साल मजे करो। ऐसे नेता को चुनते हैं आप ही लोग, आप ही लोग। महाराष्ट्र से दलित पैंथर टूटा, उसमें बीजेपी RSS में, जीतनराम मांझी RSS बीजेपी के साथ है, चिराग पासवान RSS बीजेपी के साथ है, और जहां मैनेज नहीं हो रहा है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन, वहां पे पार्टी के थ्रू मैनेज हो रहा है। 4 पार्टी खड़े कर दो, 200-500 वोट तुम लोग कर लो, बाकी इंडिया में हार जाएगा, हम जीत जाएंगे। तो समाज के अंदर भी परेशानी। एक और एक्सपेरिमेंट का एग्जाम्पल दे रहा हूं। अभी एक बाबा है,
बेचारा आंख तो नहीं है लेकिन दिमाग और जबान बहुत फटर फटर चलता है। आदमी बिहार का इनका कमेंट आया, उन्होंने कहा कि जो राम को नहीं भसता वो चमार है, तो अच्छी बात है, चमार राम को भसता नहीं तो अच्छी बात। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में कहा भी, लेकिन क्या वो किसी जाति को कह रहा था? बाबा जाति को कह रहा नहीं, आपका दिमाग चेक कर रहा था कि दिमाग में बुद्धि है कि गोबर भरा हुआ है। बहुसंख्यक ऐसी हो जाएगा, देवी कौन है? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लाभ चिपका चिपक जाएगा, देवी कौन? जब तक सोशल यूनिटी नहीं बनती है तब तक पॉलिटिकल यूनिटी नहीं हो सकता है। क्या आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया? पूरे समाज को कह रहा 33 करोड़ देवी देवता में से 32,99,99,999 देवता उन्हीं के, कोई भैरव बाबा को फंसता है पूजा करता है लाल के उधर है ना प्रगति मैदान के पास, कोई काली दुर्गा सर को फंसता है, राम को नहीं फंसता, कोई कृष्ण को फंसता है, वैसे मैं नास्तिक आदमी। लेकिन ये बहुजन समाज उस सबको कह रहा था, चेक कर रहा था कि इसका मतलब सब लोग समझ रहे थे समाज को बोला मुझे कुछ नहीं करना है, लोग आप लोगों को भी कह रहा तो जो रिएक्शन नहीं दिया इसका मतलब आप साहब राम के पूजक है कि नहीं है? है? जब रिएक्शन नहीं किया, आपने विरोध नहीं किया, आप लिखते उस पर कि हम भी चमार, मैं भी चमार, क्या समझ रहे हैं कि यादव जी के बारे में आप पटेल जी के बारे में पीछे में क्या बात करता होगा पता है? मुझे पता है क्या टर्मोलॉजी इस्तेमाल करता है, मुझे पता है, मुझे पता है। लेकिन आप खुश रहो कि हम तो यदुवंशी है तो कोई कौन वंशी है, हम क्षत्रिय है, ये इसे बहुजन यूनिटी नहीं बनता। इसलिए हिस्सेदारी जब तक यूनिटी नहीं बनेगा तब तक हिस्सेदारी भी नहीं मिलेगी। समाज आप विचारधारा पर नौकरी वोट देते हैं क्या? नहीं देते हैं। आज अगर चिराग पासवान अगर बीजेपी के साथ जाता है तो पासवान समाज कर रहा है, अगर पोस्टर उधर चला रहा है। आज नीतीश कुमार की पलटी मार दी है, छठी बार पलटी, छठी बार नवी बार, तो वो उधर से ज्यादा समाज फिर चला जाए। जय जय। अरे भाई आपके ऊपर भी आपके क्रेडेंशियल पे बिठाओ, सरकारी नेता के क्रेडेंशियल पे डाउट नहीं, वो समझ लेता है कि इसका समाज ही ऐसा है पलटी मार। तो मेरा प्रस्ताव है कि बात भाई आप ये बताओ मुझे, मंडल कमीशन में बात करो, एससी एसटी का तो बेचारा पहले से सबसे दबा कुचला समाज था, कभी आप ही पीट लेते हो कभी आप ही गाली दे लेते हो, तो उसको थोड़ा सा स्पेस मिला, मिडिल क्लास बना। ओबीसी का आरक्षण बीपी सिंह मंडल कमीशन, बीपी सिंह ने लाया और दूसरा मंडल कमीशन लाए अर्जुन सिंह, एचआरटी मिनिस्टर हम लोग मिलते थे हमारे सूरज मंडल, और पूरा मूवमेंट सेकंड कहा गया सुधांशु, उस समय बच्चा था ही लोग स्टूडेंट था शायद, और लड़ा अर्जुन सिंह से मिला, लड़ा मंडल टू लाओ तब आपको आया। आप मुझे बताओ तो कल एक बात का जवाब दे दो, फिर नौकरी भी जाहिर कर दूंगा, जवाब दे दो क्या इस मोदी सरकार ने एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई कमीशन बैठाया है? बैठाया है? आरक्षण नहीं बढ़ाया है कि खत्म किया है? खत्म किया है। और तब भी अगर नीतीश कुमार चले जाते हैं एनडीए के साथ, आप भी जय जय करके हुले हुले करके उनके पीछे चल जाते हो एनडीए में, तो पहले तय कर लो कि पिछड़ा हो कि क्षत्रिय हो, क्षत्रिय को उधर ही चले जाओ। वैसे कुछ क्षत्रिय ठीक है, दोस्त है भाई, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, अर्जुन सिंह नीतीश सिंह दोनों उसमें से, तो तय करो ना आप, क्योंकि गुलाम वो नहीं, गुलाम हमारा समाज। अगर आप समझते हो कि बीजेपी और एनडीए हमारा भला कर रहा है और हमारे नेता चला गया जीतन राम मांझी या चिराग पासवान या अठावले बीजेपी के साथ चला गया है, वो अच्छा भला कर रहा है, जा रहे हो तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हम लोग हैं। चाहे कोई बीजेपी के साथ यादव चला जा रहा हो उसके पीछे आप भी चले जा रहे हो, तो बेईमान कौन है? आपके बेईमान वोट हम देते हैं, नेता हम बिल्ली को दे रहे हैं, बिल्ली की रखवाली, बिल्ली को रखवाली, जब वोट आएगा तब हिंदू है, हिंदू नाम पे वोट। ऐसे नेताओं का एक प्रस्ताव दे रहा हूं, सब जातीय सभाओं में बहुजन सभाओं में अगर बीजेपी आरएसएस ने आपके लिए कोई काम नहीं किया, आपके खिलाफ उल्टा काम किया है, और आपके समाज के नेता अगर बीजेपी आरएसएस के साथ जा रहे हैं तो उनके खिलाफ हर सभा में निंदा प्रस्ताव पास होना चाहिए, उनका धिक्कार होना चाहिए।
चाहे नीतीश कुमार हो चाहे चिराग पासवान हो चाहे मांझी हो, धिक्कार करते हैं। शुरुआत यहीं से करो, धिक्कार करो उसका। हर जातीय सभाओं में, हर सभाओं में करो धिक्कार कि जो हमारी हकमारी कर रही है, हमारे बच्चों के लिए विश्वविद्यालय बंद कर रहा है, आप उसके साथ जा रहे हो। तो नेता सब भी समझ गया है कि समाज गुलाम है, इसको अधिकार नहीं चाहिए, इसको हिस्सेदारी नहीं चाहिए, इसको चाहिए सिर्फ क्या मूर्ति चाहिए, इसको चाहिए क्या कि इसके जाल का जो है एक नेता बना दो, एक मंत्री बना दो। यही सब समझ गया है रूलिंग क्लास। कोई जाके पटेल जी बैठे हुए हैं, राहुल गांधी से अपॉइंटमेंट दिलवाई, अभी मिले थे एक बार, मैं जाके वहां एक मेमोरेंडम सौंपता हूं, बाबा साहब मेमोरेंडम देते थे सरकारों को, कोई मेमोरेंडम दे रहा, कोई कम्युनिकेशन कर रहा, नो कम्युनिकेशन, नो मेमोरेंडम, नथिंग, सीधे हुक्मरान बनेंगे। कहां गए समझे जी, आप खुद ही डिवाइडेड हो। और जिस 15% की बात कर रहा हूं यूनाइटेड है, कहीं कह रहा महार खा गया, कहीं कह रहा चमार खा गया, कहीं कह रहा कुर्मी खा गया, कहीं कह रहा यादव खा गया। अरे ये बर्गर है, ये केक है नहीं है। तो साथियों ये लगातार ये मैं और मैंने उसको धन्यवाद देता हूं कि आपको जो है बार बार ये रामलीला ग्राउंड से कॉन्स्टिट्यूंट क्लब तक आपको बार बार बुलाते हैं। लेकिन एक बात समझो, अगर मुझे कहोगे बिजनेस करने के लिए तो मैं नहीं कर सकता। हर चीज के लिए मुझे भाषण देने के लिए मैं बोल सकता हूँ, मुझे हिस्ट्री लिखना लिख सकता हूँ, रिसर्च कर सकता हूँ, सबका अपना दुनिया है। तो बिना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए और बिना रिसोर्स डेवलप किए हुए आप अगर समझ रहे हो, अगर मुझे एक बात बताओ, मुझे 200 करोड़ का जो है ना 500 करोड़ का 5 दलित दो, 5 ट्राइबल दो, हम मिलना चाहते हैं राहुल गांधी से, हम मिलना चाहते हैं खड़गे साहब से कि भाई देखिए हमारे सामने प्रोफेशनल लोग सब MBA किया हुआ है, ये 200 करोड़ का बिजनेस किया है, इसको 100 करोड़ रुपया जो है 1% इंटरेस्ट में दे हुआ है, देव कहां है प्रोफेशनल्स, जाइए ना। तो सब इजी जो समाज चाहता है ना, बना बनाया मिल जाए खाने लटक से लड्डू, तो कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसी नौकरी खत्म हुआ तो भाई पिछड़े समुदाय के लोगों के पास थोड़ा जमीन गाय भैंस है ना, उसका तो चल जाए थोड़ा बीच में, सबसे ज्यादा इसलिए दलित में बोल रहा हुआ ट्राइबल हसदेव नगर का मसला सर आदि में स्टेट का चल ही रहा कि जैसे ही नौकरी खत्म हुआ वैसे ही पेंशन खत्म है, और नौकरी खत्म, सैलरी खत्म, न जमीन है, न इंडस्ट्री है, न दुकान है, न कुछ है। तो दलित भाई और सुनो, पहले तुम्हारे जितना बीपी शुगर बढ़ा हुआ है, मिडिल क्लास रहते इसी में रहते रहते आरएसएस और बीजेपी गांव में भेज रहा है, गांव में जाओ हल चलाओ, थोड़ा मेहनत करोगे, प्रकृति के पास रहोगे तो बीपी शुगर सब ठीक हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत सारे दलित स्लोगन जो बनते हैं वो आरएसएस के स्कूल में बनते हैं, आरएसएस के स्कूल में बनते हैं, बिना पढ़े बिना सोचे बोले जाओ ये सांप नाथ है, नाग नाथ है, देश का हुक्मरान बनना है, शासन पे हुकूमत करना है, ब्राह्मण को विदेश भेजना है, ये सब ये नहीं बोलता है, कहीं से बन के रेडीमेड आता है बोलने के लिए। और आजादी के बाद पहले 50 साल में ही मिडिल क्लास बना था, और आरएसएस कहता था कि संविधान में विश्वास नहीं, जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर तमाम वैचारिक मतभेद के बावजूद दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, स्टेट एंड मैंडेटरी उन्होंने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू को दिया था, तो सारे पब्लिक सेक्टर यूनिट वहां से बने, विश्वविद्यालय बने, एम्स बने, बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, लैंड रिफॉर्म हुआ, तो उसमें आपको हिस्सेदारी नहीं मिली। तो बाबा साहब ने कहते कि दलितों इस मेंटालिटी मत रहना कि पहनूंगी तो जरी वाली साड़ी ही है वरना नंगे रहूंगी, ये मेंटालिटी मत रहना, पहले अधिकार लो फिर दबाव बनाओ फिर अधिकार लो। उन्होंने 3 अधिकार की बात की थी, उसमें से 2 मिल गया, नौकरी में आरक्षण और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, और 1 नहीं मिला पृथक निर्वाचन से। बोले से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप सब यूनाइटेड रहो और अधिकार किस्तों में दबाव बना बनाकर आप लेते रहो। तो आरएसएस ने सबके दिमाग में बैठा दिया कि तुम आप बहुसंख्यक राजा बन जाओगे, हुकूमत करोगे तो रातों रात सब पलट दोगे, अगर बन भी जाओगे पीए तो आपके पास प्रोफेशनल कहां है जो स्टॉक एक्सचेंज में बैठेगा, ये बताओ मुझे, ये बताना पड़ेगा, और नहीं तो गुदगुदी वाला भाषण नहीं दे। हिस्टोरियन है, इकोनॉमिस्ट है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट है,
ओरेटर है 10 नहीं है ना, तो सिर्फ कन्हैया कुमार के भाषण पे ताली बजाना पड़ेगा। हमने बच्चे तैयार नहीं किए। बाबा साहब ये कहते हैं बार बार कि जिसमें नौजवान जिसमें माता हो, और हर बार क्यों बाबा लोग चुनाव लड़ेगा, तो जवान से हमको भी लड़वाऊ। 20-25 आप लोग सब यहाँ पोलिटिकल क्लास के लोग बैठे हुए, ये दिख नहीं रहा है 20-25 एक्टिविस्ट को लाओ पार्लियामेंट में घुसवाओ, तो वहां पे भाषण में बढ़िया बोले, जो दाल रोटी का इंतजाम कर लाओ 25-30 एक्टिविस्ट। तो लीडरशिप हंटिंग प्रोग्राम अब नहीं हो रहा है। पहले पार्टी में लीडरशिप बनाए जाते थे, अब कहीं जिनका है उन्हीं का बेटा टिकट दो, उनका बेटा है उनका टिकट दो, चाहे वो सेक्टोरिज्म उसको पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, डाइवर्सिटी पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, सोशल जस्टिस का आइडिया उसको पता हो या नहीं पता हो, लेकिन उसको देते जाओ। एक पॉलिटिशियन को उसको हिस्ट्री सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स सबका ज्ञान होना चाहिए। संसद में बोले है कि मालिक को लेकर यहां उठाना, कहां उठाने के लिए संसद में जाओगे? जब बोलोगे नहीं, हल्ला नहीं करोगे, चक्का जाम नहीं करोगे, ये अधिकार नहीं। मिला जुला के बात यही है, नेता में खाली प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपने लिए प्रॉब्लम है। जब आपको आर पार इंडिया बनाम इंडिया है, तो कुछ तो कांग्रेस लाजे सर में थोड़ा डिस्काउंट देती रहती है, लाजे सर में थोड़ा सा ठीक है ये दो डिस्काउंट, और बीजेपी आरएसएस कर रही है इसको कपड़ा पहने पटेल भी बढ़िया चमक रहा है, कुर्ता उतार बनियान रखना है, तो दोनों में से चुनना है। अगर जाट के नाम पे, अगर नीतीश कुमार के नाम पे, मांझी के नाम पे, अठावले के नाम पे, और बोलोगे कि हमारे जात का नेता है, और बीजेपी आरएसएस को अगर वोट दोगे, तो इसका मतलब यह समझा जाएगा कि अपने हाथ से कुल्हाड़ी के बेट की तरफ, कि अपने हाथ से अपना पांव काट रहे हो, और अपने हाथ से फांसी का फंदा लेके गले में डाल रहा हूं। मुझे कुछ नहीं करना है, ना आपसे चंदा मांगना है, ना वोट मांगना है, मुझे कोई टिकट भी देना है। बोलता है वोट बोलने वाला ऐसा दलित किसको पसंद नहीं है, बोलने वाला जो है ना, बोलने वाला दलित बैकवर्ड ट्राइब ऐसा बोलने वाला, वहां का यस यस कहने वाला पसंद है, तो हम लोग यस यस नहीं करते। हम लोग बोले बोलना है बोलना ही बोले, रोज 50,000 लोग सुन लेगा, बात खत्म हो गया। अगर 10,000 लोग पे भी प्रभाव पड़ गया हमारे कहने का, तो हम समझे कि जो बाबा साहब का मैं बिगड़ा चलाऊ उसमें काम किया। तो इसलिए अपने आप को सुधारो और यह शपथ लेके जाओ, शपथ लेके जाओ कि नेताओं का निंदा प्रस्ताव पास करेंगे, धिक्कार करेंगे, शपथ लो इसको वोट नहीं करेंगे, तब माना जाएगा, नहीं तो माना जाएगा कोर्ट आपने दिया। शुक्रिया, जय हिंद।